दोस्तों, आप में से बहुत लोग कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते होंगे या तो वहां पढ़ाते होंगे और आप घर बैठे बोर हो चुके होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 15 दिसंबर से कौन से राज्यों में कॉलेज खुलेंगे और कौन से राज्यों में कॉलेज नहीं खुलेंगे, और खुलेंगे तो किन नियमों के आधार पर खुलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से मार्च से सभी स्कूल, मेडिकल, एमबीबीएस, बीडीएस, एग्रीकल्चर, आयुर्वेदिक, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद किए गए हैं। लगभग 8 महीने से सभी राज्यों में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, पर समय समय पर कुछ राज्यों ने उन्हें खोलने की कोशिश की है, परंतु कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण उन्हें कॉलेजेस और स्कूलों को बंद करना पड़ा है। पर अब काफी वक्त हो जाने के कारण कई राज्यों ने अपने स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे पहला नाम है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरला, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, नागालैंड। राज्यों ने दिसंबर के महीने में कॉलेज और स्कूलों को खोलने जाने की अनुमति दे दी है, परंतु इसमें पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को ही स्कूल में बुलाया जाएगा, और यह गाइडलाइन दिसंबर के पहले हफ्ता में जारी कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण वहां स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, जिनमें से सबसे पहला है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम ने कहा है कि अभी हम अपने राज्य में स्कूल नहीं खोलेंगे, बाकी राज्यों को स्थिति देखते हुए यह निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरा राज्य मेघालय और राजधानी दिल्ली है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते ही जा रहा है, इस कारण यहाँ स्कूल और कॉलेजेस को खोलना मुमकिन नहीं है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण अधिक है वहां 21 दिसंबर तक कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे। 4 जनवरी न्यू ईयर के बाद उनमें क्या स्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? सरकार के यह फैसला आपके नजरिए में किस तरह से बैठता है, यह मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन रही है और इस पर विचार किया जा रहा है। अगर हम अधिकारियों की बात करें तो मात्र 75% अधिकारियों को ऑफलाइन ड्यूटी में बुलाया जा रहा है, बाकी 25% अधिकारियों को वर्क एट होम का आदेश दिया गया है। दोस्तों, आप कौन से स्टेट से हैं ये मुझे जरूर बताइए। अब हम आते हैं केंद्र सरकार की बात पर। केंद्र सरकार ने फरमान जारी किया है कि पेरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने भेजा जा सकता है। यह फैसला पूरे तरह से राज्य सरकार पर डाल दिया गया है। इसका मतलब है जिन जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण अधिक है वहां स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, और जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण कम है वहां स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। जहां हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में कॉलेज और स्कूलों को खोलने पर अपनी अनुमति दे दी है। यहाँ 10 और 15 दिसंबर से कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है न्यू यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार। केंद्र सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेजेस को खोलने का आदेश 1 दिसंबर से दिया जा चुका है। यह उस राज्य पर डिपेंड करता है कि वह उस कॉलेज को कब खोलना चाहे। 15 दिनों के कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की क्लासेस को खोला जाएगा। 10 दिसंबर से ग्रेजुएट क्लासेस को खोला जाएगा और 15 दिसंबर से पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को खोला जाएगा। कॉलेज और स्कूलों के खुलने के बाद कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाएगा, जिसमें सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश ये सभी शामिल होंगे। शिक्षकों का और बच्चों का पूर्णतः सैनिटाइजेशन होगा। आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ तक।